नमस्कार दोस्तों, टाइटन शेयर में आज की ट्रेडिंग सेशन में 0.63% के क्लियर आपको तेजी नजर आ रहे हैं। तो उसी के साथ आप देख सकते हो आज की ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में एक ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल दिखाई दे रहा है। पिछले 2-3 दिन से स्टॉक में लगातार बुलिश कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सवाल आ रहा है क्या स्टॉक में पे तेजी आएगा या स्टॉक में गिरावट आएगा, तो क्या कंडीशन बन सकता है, क्या टारगेट बन सकता है, सब कुछ हम इस वीडियो में समझेंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। नोटिस कर सकते हो टाइटन शेयर जैसे कि आप देख सकते हो स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस लेवल था यहाँ पर 2776 के पास में, इसको काफ़ी समय तक ब्रेक नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसे इसको ब्रेकआउट किया स्टॉक में शानदार हाई लगा 3886 के पास में, राइट। तो उसके बाद सपोर्ट बना, देख सकते हो यहाँ पर 3062 को सपोर्ट लेने के बाद काफ़ी समय से यहाँ पर रुका हुआ है। अब जो है स्टॉक जाके अपने रेजिस्टेंस के पास में टच कर लिया। तो मैं आपको लेके चलता हूँ फिर से डेली टाइम फ्रेम पे, ताकि मैं आपको ये आपको और भी अच्छे से क्लियरली समझा सकूँ। तो जैसे कि दोस्तों आप देखें तो ये आपके सामने एक रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है 3621 में, और इसी के बाद देखेंगे तो स्टॉक आपको यहाँ पर इस तरीके से अप ट्रेंड में कंटिन्यू करता हुआ नजर आ रहा है। तो जैसे दोस्तों आप देख रहे स्टॉक यहाँ पर इस तरीके से सपोर्ट लेके ऊपर बढ़ रहा है, इस लेवल को ब्रेकआउट करते स्टॉक में शानदार तेजी का मोमेंट बनेगा। टारगेट की अगर बात करें कि इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद हमारे लिए क्या क्या टारगेट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तो अभी के लिए टारगेट आपको यही रहेगा 3886 का लेवल आपका टारगेट रहेगा। जब इसको ब्रेकआउट करेगा क्या टारगेट रहेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट इसको ब्रेकआउट करने के बाद टारगेट रहेगा आपके सामने 4416 का रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा 5250 के पास में रहेगा, तीसरा टारगेट आपके सामने रहेगा 6083, उसके बाद 6598, राइट। दोस्तों यहाँ पर सभी कंडीशन को मैंने आपके सामने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया। तो दोस्तों स्टॉक में बाय सेल होल्ड करने की सलाह सुझाव नहीं है, वीडियो एजुकेशन पर्पज बनाया गया। तो इस वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद।